बात अभी तक जो चल रहे थे वो इश्क मोहब्बत, तो हम भी इश्क से ही शुरू करना चाहूंगा। इश्क किया था मैंने भी, इश्क किया था मैंने भी, हमने भी रातों को जागे थे। इश्क किया था मैंने भी, हमने भी रातों को जागे थे। कोई था जिसके पीछे नंगे पांव भागे थे। मैं अपने इश्क की तरफ चलता हूँ। उजाले अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम। मेरे मोहतरम मोहतरम उस्ताद और मेरे अजीज साथी और प्यारे जूनियर, आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी और गम की बात है। खुशी इस बात की है कि आज हम लोग इस संस्था में जो कुछ भी सीखे, 4 साल की जर्नी में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ सीखे हैं, और गम इस बात की है कि यहाँ से एक 4 साल की जर्नी में जितनी भी चीज हुई वो सबको अपनी यादों के समेटते हुए वापस जा रहे हैं। और यहाँ से जो सीखने की चीज मिली हमें, वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, वह इल्म और तालीम। वह एक बड़ी नेमत है जिससे इंसान की इंसानियत की शौर मिलती है। तालीम वह ऐसी दौलत है जिससे इंसान को इंसानियत की शौर, सोचो फिक्र, गौर करने की क्षमता होती है। और दुख इस बात का है कि यहाँ जो हम बिताए हुए पल टीचर्स का डांट और अपने क्लासमेट के साथ हंसी मजाक, अब ये सब हम नहीं कर पाए। और इस जर्नी में हमने जो सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत खोया है, जिसकी तुलना हम शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी दौलत है जो हम हमारे और आप सबके पास अपने पेरेंट्स होता है। यह पेरेंट्स के दुनिया की इतनी बड़ी दौलत है जो इंसान कितनी भी बड़ी ऊंचाई तक पहुंच क्यों ना जाए, लेकिन उनका साया और उनकी अहमियत को अपनी जिंदगी में कितनी भी बड़ी ऊंचाई और कितनी भी बड़ी सफलता के पाने के बाद भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। अब मैं आप सभी को 2 मिनट के लिए मैं अपने जूनियर्स और तमाम सीनियर्स को, तमाम अपने क्लासमेट्स को 2 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़ा होने के लिए कहूंगा। और इन तमाम हस्तियां जो हमें 4 साल के मार्गदर्शन अपने पेरेंट्स का, जो इन्होंने इन 4 साल जर्नी में हमें कुछ ना कुछ सिखाया, कुछ ना कुछ दिया, इनके लिए एक बार हमारे पूरे जूनियर और क्लासमेट्स खड़े होकर 2 मिनट तक इनके तालियों से स्वागत करेंगे। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सभी। प्लीज सिट डाउन। अब मैं अपने जूनियर्स के लिए कुछ गाइडेंस के तौर पर कुछ पंक्तियां पेश करूंगा जो अपनी जिंदगी के सफलता के लिए और अपनी जिंदगी के संघर्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो ये है कि मिटा दो अपनी हंसी को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हंसी को अगर कुछ मर्तबा चाहो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
इसका मफहूम यह है कि जिंदगी में अगर सफलता चाहिए, जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए, तो अभी हम लोगों ने जिंदगी की कामयाबी के लिए अपने आप को एक संघर्ष की और एक ऊंचाई की तरफ जाने के लिए बहुत ही संघर्ष करने की जरूरत है। और ये है कि हम अपने एनवायरमेंट से कुछ ना कुछ सीखते रहे। जैसे अभी गेहूं का सीजन चल रहा है जिसमें बीज बोया जाता है, और वो गेहूं का बीज उस पौधे में आने के लिए गेहूं का बीज जो है पूरे तौर पर मिट्टी में समा जाता है, और मिट्टी में समा जाने के बाद फिर वह एक पौधा होता है। पौधा होने के बाद इस बार गेहूं के इस समय में फिर उपजा होता है उसका। तो मिटा तो अपनी हंसी का मतलब यही है कि मेहनत हम लोग इतने शिद्दत के साथ करें, जो अगर कामयाबी नहीं मिली कुछ ना कुछ सीख तो जरूर मिले। और मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं विदा लेना चाहूंगा इस शेर के साथ कि ऐ मेरे हम नसीब चल कहीं और चल, ऐ मेरे हम नसीब चल कहीं और चल, इस चमन में अपना गुजारा नहीं, इस चमन में अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पर भी हाथ हमारा नहीं। थैंक यू।